लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आईपीएल 2023 ऑक्शन। प्लेयर नंबर 8 सैम करन स्टार्टिंग बेट 2 करोड़ इंडियन रुपीज। राजस्थान रॉयल ने सबसे पहले बोली लगाई और 10 टीमों की नजर सिर्फ सैम करन पर थी। लेकिन सैम करन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आपस में दाव खेल रहे थे। लेकिन पैसे लगाते लगाते राजस्थान रॉयल और आरसीबी 7 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर एंट्री होती है मुंबई इंडियंस की और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पीछे हट जाते हैं। और राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस पैसे लगाते लगाते 11 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाते हैं। फिर एंट्री होती है चेन्नई सुपर किंग्स की और मुंबई इंडियंस पीछे हट जाती है। फिर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल सैम करन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आपस में ही लड़ पड़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल पैसे लगाते लगाते 12 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाते हैं। फिर इस महायुद्ध में एंट्री होती है पंजाब किंग्स की और राजस्थान रॉयल पीछे हट जाती है। और इस महायुद्ध में ये दोनों टीम बोली लगाते लगाते 17 करोड़ 25 लाख तक पहुंच जाती है। फिर से एक बार एंट्री होती है मुंबई इंडियंस की और चेन्नई सुपर किंग अपनी कदम पीछे कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आईपीएल 2023 ऑक्शन की इस युद्ध में ये दोनों टीम बोली लगाते लगाते 18 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाती है और पैसों की कमी की वजह से मुंबई इंडियंस पीछे हट जाती है और सैम करन को 18 करोड़ 50 लाख में पंजाब किंग्स खरीद लेते हैं और सैम करन आईपीएल में जिस टीम से डेब्यू किए थे उसी टीम में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट की हर खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।